The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. जब किसी को कैंसर होता है डॉक्टर पहले फाइंड आउट करेंगे किस प्रकार का कहां से ओरिजिनेट किया है कैंसर. सबसे बड़ा सवाल ये है कैंसर का, कौन बढ़ेगा करोड़पति से भी बड़ा. पीपल विद कैंसर नीड ट्रीटमेंट और ऑन द टाइप ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन कौन से प्रकार का कैंसर है उस पर ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा. तो ट्यूमर क्या होते हैं? ज्यादातर कैंसर जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठा होके ना एक मास बना लेते हैं, एक लंप बना लेते हैं, एक गोला बना लेते हैं, गोला या जो भी बोल लो. और ये हर जगह लंप नहीं होता लेकिन इसको ट्यूमर बोलते हैं, राइट. और डॉक्टर क्या कर सकते हैं, उस लंप का उस ट्यूमर का एक छोटा हिस्सा निकाल के टेस्ट कर सकते हैं कि ये का चीज है भाई, ये काबा, ये फैट है, ये फाइबर है, ये कैंसर है, मेलिग्नेंट सेल है, एक प्रकार के सेल है, या उसमें ढुंग 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 होते हुए कोई भी बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाइपर एक्टिव सेल है, क्या हो रहा है ये उसके अंदर से देख सकते हैं ट्यूमर का बायोप्सी लेके, लंप्स का. ये लंप मैंने दो प्रकार के बताए, एक तो बिनाइन है जो के कवर्ड होते हैं, जो फैलते नहीं है, बड़े हो सकते हैं पर फैलते नहीं है, वहीं रहेंगे. वो पूरा पूरा लंप निकाल लो, खत्म, इलाज, ट्रीटमेंट पूरा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे जिंदगी में, और कोई इलाज नहीं है, कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं. बिनाइन ट्यूमर फाइब्रोएडिनोमा, ब्रेस्ट में होता है, मोस्ट कॉमन फाइब्रोएडिनोमा. फिर कुछ कैंसर होते हैं जो मेलिग्नेंट होते हैं, जो फैल जाते हैं, राइट. और कुछ तरीके कैंसर होते हैं जो ट्यूमर नहीं बनाते, जैसे कि ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, राइट. ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर वो ट्यूमर व्यूमर नहीं बनाते, वो घपा घप फका घप आपके ब्लड के अंदर इमेच्योर सेल्स बने जा रहे हैं. तू भी जा काम कर, तू भी जा काम, अरे मैं बड़ा नहीं हुआ, तू भी जा काम कर, काम कर, काम कर, अरे मैं काम नहीं कर सकता, ऐसे लोगों को वो काम पे भेज देते हैं. जैसे इंडिया का हाल, क्या बोलते हैं उसको, चाइल्ड लेबर. वो चाइल्ड लेबर करवाते हैं और बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, और बच्चे पैदा कर रहे हैं, भीड़ी भीड़ सब जगह बच्चे, पूरी गलियों में बच्चे बच्चे, आपके खून में बच्चे ही बच्चे. ऐसे बच्चे काम नहीं करते, वो सही से नहीं करते, फिर आपको कई बार वो बच्चे फिर मर जाते हैं, उनको बच्चे यहाँ पे ब्लड सेल से उनको मार दिया जाता है, राइट. दैट्स द आइडिया. इतना कंपेरिजन आप समझ लो, ब्लड कैंसर का ये हाल. फिर वो इमेच्योर सेल्स जो है वो निकल जाते हैं ब्लड से, स्प्लीन बड़ी हो जाती है, फिर आपके अल्टीमेटली खून में वर्केबल सेल कम हो जाते हैं, फिर आपको बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं वर्कर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता है कि नहीं. बस यही होता है ब्लड ट्यूमर, सिंपल एज अ पिंपल, है कि नहीं. सो सबसे बड़ी चीज जो है वो डर. लोगों ने बोल दिया कैंसर हो गया तो आपका रहता, मैं तो गया, अब मैं अपनी विल बना लेता हूँ, मैं अपने आखिरी जिंदगी ले लेता हूँ, मेरे पास जितने पैसे मैं खर्च कर देता हूँ या बचा लेता हूँ, वट एवर इट इज. ऐसा नहीं होता है, समझे, ऐसा नहीं होता है. डोंट वरी अबाउट इट, राइट. इट्स ऑल अबाउट कौन सा स्टेज है, कौन सी टाइम है, स्टेजिंग कैसी होती है, और आपका इलाज क्या बेस्ट हो सकता है. इलाज हो सकता है उसका, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा कि स्टेजिंग क्या है, क्या है, कैसी क्या सिस्टम है, राइट. अब स्टेज की बात करें तो कैंसर में डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि कैंसर जहां बना है वहीं पर है या उससे बाहर आ गया है, फैल गया है, बोन तक चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, कहाँ कहाँ गया, क्योंकि उस पर इलाज डिपेंड करेगा. अगर वो बोन पे फैल गया है, लंग ट्यूमर, तो मैंने लंग का एक हिस्सा ऑपरेशन करके निकलवा भी लिया, निकल दिया, तो भी बोन में तो पड़ा है, वो वहां से ग्रो हो जाएगा. सो कुछ अकम्प्लिश नहीं हुआ हमारा वहां पे, दैट्स द पॉइंट हियर. इसलिए स्टेज बहुत जरूरी है, स्टेज. और जब भी ज्यादातर केसेस में पीपल बात करते हैं स्टेज वन स्टेज टू की, राइट, स्टेज से ट्रीटमेंट, जितना स्टेज वन स्टेज टू जितना लोएस्ट स्टेज है उतना बेस्ट ट्रीटमेंट है. लोएस्ट स्टेज में रिस्क में उठा के वो हिस्सा ही पूरा का पूरा वाइड एक्सीजन करके निकाल लिया, ऑपरेट कर लिया, खत्म. यूट्रस निकाल दिया, थोड़ा सा भाई ब्लीडिंग हुआ, एंडोप्लाज्मिक थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा, खत्म. क्या खत्म? कैंसर खत्म, जी बिल्कुल. कोई कीमोथेरेपी नहीं, कोई रेडियोथेरेपी नहीं, स्टेज पे डिपेंड करता है. और हर टाइप के कैंसर पे स्टेजिंग अलग अलग टाइप की होती है. लोअर स्टेज यानी 1 और 2 में आपका कैंसर ज्यादा नहीं फैला है, ज्यादातर ट्रीटमेंट बढ़िया हो जाएगा. 3 और 4 में ज्यादा दिक्कत है. 4 हाईएस्ट स्टेज होता है, 4 में आपको
आपके फिर 5 ईयर्स 10 ईयर्स सर्वाइवल कम होते हैं. सर्वाइवल का मतलब कि कैंसर ज़्यादा आपके डैमेज कर चुका होगा या कर देगा जल्दी ही. सो इसलिए आप अपने डॉक्टर से अपनी स्टेज के बारे में पूछे. 1-2 है, यू आर लकी. 2-3, 3-4 है, यू कैन वर्क ऑन इट. 4 है, देन ऑल्सो देर इज होप. 0 अंडा गुड़गुड़ पानी नहीं होता, होप रहता. ट्रीटमेंट अवेलेबल है. ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. सर्जरी में कैंसर उठा के निकाल दिया जाता है, थोड़ा सा बाहर का पार्ट भी निकाला जाता है कैंसर के. वाइड एक्सीजन मतलब इतना कैंसर है तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बाहर बाहर का पार्ट भी निकाले, पता नहीं चलता, एक आधा सेल घुसना नहीं चाहिए, सब निकाल दो. होने होता है जैसे इस एरिया इलाके में एक डेडली वायरस है, बॉम्ब फोड़ के सबको खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सेल मर रहे नहीं मर रहे, ऐसा ही हम करते हैं. जी हाँ, कुछ नहीं कर सकते. जी हाँ, दैट्स द आइडिया. सो ब्रेस्ट कैंसर के लिए पूरी की पूरी ब्रेस्ट निकाल दी जाती है. प्रोस्टेट कैंसर के पूरा का पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है. लंग के लिए लंग का एक हिस्सा, एक लोब पूरा निकाल दिया जाता है कई बार, राइट. ब्लड कैंसर के लिए फिर आपको ड्रग्स, दवाई ही लेनी. ब्लड कैसे पूरा निकाल देंगे, है ना? तो ब्लड के लिए दवाई लेनी पड़ती है. उसको लिए कीमोथेरेपी ड्रग्स आते हैं. कीमोथेरेपी बेसिकली ये दवाइयाँ हैं जो कैंसर के सेल्स को मार देती है ताकि वो और ग्रो ना करें. सोचो बच्चे अगर घूम रहे हैं और बच्चे पैदा कर सके, तो बच्चे पैदा कर सके, घपा घप बच्चे के बच्चे बाप रे. सो दैट्स द आइडिया. इसलिए ग्रोइंग कैंसर सेल को रोकना पड़ता है, ठीक है. सो कीमोथेरेपी करनी पड़ती है. उसमें क्या होता है, कुछ कैंसर सेल्स मरते हैं, कुछ नॉर्मल सेल्स भी मरते हैं, हेयर सेल्स मर जाते हैं, आप टकले हो जाते हो टेम्पररी बेसिस पे. जी हाँ, टेम्पररी बाल आ जाते हैं जब कीमोथेरेपी साइकिल्स बंद होती हैं, तब देखा ही होगा आपने कई फिल्म स्टार्स को, राइट. दैट्स द आइडिया. और कीमो सारी बॉडी पे आता है इसलिए आपको थोड़ा सा डैमेज, कीमो से साइड इफेक्ट्स होते हैं. रेडिएशन थेरेपी में कैंसर के सेल को मारा जाता है, ग्रोथ स्लो की जाती है, और कई बार रेडिएशन, कीमो और ये तीनों चीज़ों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है. ये बात आपको याद रखना है. कई बार ये रेडिएशन थेरेपी में एक ब्रैकी थेरेपी भी होती है, जिसमें एक रेडिएशन वाली चीज़, मान लो एक बॉम्ब, रेडिएशन वाला बॉम्ब कैंसर के अंदर छोड़ दिया जाता है. वो एक सीड होती है जिससे रेडिएशन इमिट होता है, वो कैंसर का ट्यूमर है, ट्यूमर के बीच में छोड़ दिया तो वो क्या होगा, अंदर ही अंदर से ट्यूमर को मार देगा. तो ब्रैकी थेरेपी भी होती है. जी हाँ, ये भी चीज़ काफ़ी हद तक ट्यूमर कम कर देता है. सो आजकल बहुत कुछ आ गया. अपने डॉक्टर से बात करिएगा क्या ऑप्शन है आपके टाइप के कैंसर के लिए, आपके टाइप के स्टेज के लिए, आपके लिए क्या बेस्ट है. अगेन योर डॉक्टर विल डिसाइड. आपके केस में, कई केस में सर्जरी अच्छी है, कई में पहले कीमो होता है. मान लो स्टेज 3 स्टेज 4 है तो कीमो होके पहले उसको कम किया जाता है. जब वो बाकी सारे स्टेजेस में पेट स्कैन में दिखता है, चलो बाकी सबसे कम हो गया, अब एक ही बचा है, एक को निकाल दो, चलो. तो दैट्स द आइडिया ऑफ टू वर्क एंड अंडरस्टैंड द स्टेजेस आपके डॉक्टर के साथ. ये कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ, राइट. आपके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स होंगे, ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड होगा उस पर, राइट. और सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, डरना नहीं है इसमें ट्रीटमेंट से, जो होगा होगा, ऐसे नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस. अगर आपको डाउट लग रहा है, नहीं है डॉक्टर ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट बता रहा है, सेकेंड ओपिनियन ले लो, थर्ड ओपिनियन ले लो, इट्स योर लाइफ, राइट. ये नहीं यार मैं तो जी चुका, नो. डोंट बी अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चन ऑल्सो. अपने डॉक्टर से अपने बीमारी के बारे में पूछो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या बीमारी है. फिर सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में आता है, व्हाई डिड दिस हैपन टू मी, मैंने क्या पाप किए थे. जी देखो, ऐसा है, सबको कैंसर होता है, व्हाई मी बोलने का कोई मतलब नहीं, सबको होगा होगा. अब कई लोगों को पता ही नहीं चलेगा, नेचुरल लाइफ वैसी खत्म हो जाएगी. कोई कैंसर चलते चलते हार्ट अटैक से मर जाएगा, कोई कैंसर का कैंसर वैंसर होते होते बीच में पता ही नहीं चल रहा है, सिम्टम आते आते एक्सीडेंट हो गया, मर गया. तो ऐसे कोई ना चीज से सबको कैंसर होता है एक टाइम के बाद. जो ज़्यादा गलत काम करेगा उसको जल्दी होगा, जो बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, दारू, ड्रग्स, ऐसे काम, जो शरीर का ख्याल नहीं रखेगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करेगा, 4-4 दिन भूखे ले लेता हूँ, फिर 10-10 दिन खाना खा लेता हूँ, पानी नहीं पीता हूँ, ड्राई फास्टिंग, ये फास्टिंग वो, एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बनाए बॉडी. द मोर एक्सपेरिमेंट द मोर अनस्टेबल योर बॉडी बिकम्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. बाकी जी मिलावट है ही दुनिया में, गंदा पानी, गंदा खाना, मिलावट है, ये वो, बेंजीन, फेंजीन, टेंजीन, यू नो, वट एवर, पोल्यूशन है, हवा खराब है. सो मैंने क्या गलत किया, कुछ नहीं. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्या सही कर सकता हूँ बचने के लिए, दैट्स द क्वेश्चन. कई लोग एक चीज़ के पीछे, एल्यूमिनियम के वजह से कैंसर हो रहा है, भैया एल्यूमिनियम के वजह से, ऐसा नहीं है, एक अकेली चीज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं है. लोग अपना वीडियो बेचने के लिए, अपना दिमाग बेचने के लिए, अपने आप को बेचने के लिए, अपनी पॉइंट बेचने के लिए आपको कुछ भी बोलेंगे, राइट.
ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज से कैंसर हो रहा है, इट्स अबाउट कलेक्टिव थिंग्स. सो अगर आपके अंदर ऐसी फीलिंग है तो आप अकेले नहीं हो कि आपको कैंसर हो गया, बहुत सारे लोग हैं. ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक इम्तिहान ज़रूर है, एक बीमारी ज़रूर है, लाइफ है. राइट, लाइफ को जीना पड़ेगा. जैसा आपके सामने आया है उस सिचुएशन का बेस्ट निकालने की कोशिश करो, समझे? दैट्स द आइडिया. सो कैंसर, कीमोथेरेपी, मेलिग्नेंट, मेटास्टेसिस, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं. रेमिशन क्या होता है? जब कैंसर ठीक होने लगता है तो उसे रेमिशन कहते हैं. ऑन्कोलॉजिस्ट वो डॉक्टर हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं. तो ये हुई पूरी बात कैंसर की. कैंसर का कोई सिम्टम नहीं होता. कैंसर जब जिस ऑर्गन में होगा उस ऑर्गन का सिम्टम करेगा. अगर वो लंग में होगा तो लंग में धक्का मारते जाएगा तो आपको सांस फूलेगा, खांसी आएगी, खांसी में ब्लड आ सकता है. राइट, ये लंग का हुआ. ब्लड में होगा तो सिर्फ सांस फूलेगा, ब्लड कम बनेगा, खून की कमी होगी, एनीमिक होंगे, सांस फूलेगा, फिर ब्लड टेस्ट करेंगे तो कैंसर निकलेगा. सो हर टाइप के टेन कैंसर का अलग सिम्टम आएगा. आप सिम्टम से आप उसका सिस्टम पता कर सकते हो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, पेट का है, या लंग का है, या दिमाग का सिस्टम है, हार्ट का है. किस सिस्टम के टेस्ट करने हैं, उसके सिस्टम के टेस्ट करने से आपको कैंसर है, ट्यूमर है क्या नहीं है पता चलेगा. सो इस बेसिक के आगे साथ आगे बढ़िए, इस बेसिक नॉलेज को फैलाइए, बताइए लोगों को. राइट, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिलेगा आपको कि इससे कैंसर हो रहा है, नहीं उससे कैंसर हो रहा है, इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, ये पी लो वो पी लो. राइट, इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट द बेसिक. सच्चाई पे ध्यान दो. बकवास तो बहुत है दुनिया में, बकवास सुननी है तो बहुत जगह मिल जाएगी. ठीक है, जो सच्चाई है, जो समझने वाली बात है वो ये. ठीक है दोस्तों, अगर कोई सवाल है तो पूछिए, आंसर मिलेगा. कोशिश हमारी यही रहती है कि पहले 10-12 लोगों के आंसर्स दे दें. बहुत सारे सवाल आते हैं तो आंसर नहीं दे पाते. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.